सवाल, सवालों के माध्यम से वैसे सब लोग जानते हैं, अगर कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ हो जाएगा, यानी जितना ज्यादा में बेचे वो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ का आकलन हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। अगर कोई लाभ प्रतिशत की बात करता है तो वह जाने अनजाने ये कहता है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के अनुसार बताइए, यह कहेगा नहीं कि लाभ प्रतिशत निकालिए क्रय मूल्य के अनुसार, लेकिन लाभ प्रतिशत कहता है तो ये क्रय मूल्य पर लाभ सोचिए। जैसे मान लो कि 600 रुपए का सामान है और 800 में बेचा है तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, तो लाभ यहाँ पर 200 रुपया हुआ, कितना पर लाभ 200 हुआ, 600 के लागत पर, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, परसेंटेज के लिए आपने प्रतिशत में पढ़ा है कि केवल जो लाभ आ रहा है जिस पर या कोई भी चीज है उसमें 100% से गुना कर दीजिए लाभ परसेंट निकल जाए, 100% यानी कि 1 से गुना करिए, काट दीजिएगा और ये मिल जाएगा हमारा 200/6 यानी कि 100/3 यानी कि 33.3। और नहीं तो मैं आपको प्रतिशत में बताया भी बाबू, इसी को काट के देखो ना कितने बार में, 1/3 1/3 और 1/3 को क्या प्रतिशत में बोलते हैं, 33.3। मैं क्लास में जब भी बताता हूं तो हर बैच में जहां शुरुआत करता है मैं पिट पिट कर उन सभी को याद करवाता हूं ये सब, क्योंकि केवल किसका रेशियो निकाल लेना है, लाभ किसका रेशियो होता है, लाभ अनुपात होता है, लाभ जो जितना हुआ सो, और क्रयमूल का अगर लाभ का पूछता है तो क्रयमूल के रिस्पेक्ट में पूछता है, लेकिन यदि सवाल लिख दे कि विक्रयमूल के अनुसार, विक्रयमूल्य के अनुसार लाभ कितना होगा, तो विक्रयमूल्य के अनुसार लाभ परसेंटेज अगर बात करता है तब तो विक्रयमूल्य लेना होगा नीचे, विक्रयमूल्य अपना कितना था, क्रयमूल्य और ये विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और विक्रयमूल्य नीचे रखना होगा और लाभ देख लेना होगा 200। तो यहां पर विक्रयमूल्य के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 2×8 यानी कि 1/4 लाभ ना, ठीक है, 1/4 का मतलब 25%, यानी कि जो किसी वस्तु को कोई 600 में खरीद के 800 में बेचता है तो वैसे जनरली लाभ के अनुसार लाभ हो गया कितना परसेंट, 33.3%। लेकिन अगर ये बोल दे कि नहीं विक्रयमूल्य के अनुसार बताइए हमको, तो विक्रयमूल्य को नीचे रखना है और जो लाभ हुआ है उसके ऊपर और गुने 100%, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसको मैं बार बार डिनोट करता हूं सेट में जब सोल्यूशन देता हूं, देखो एक चीज और ध्यान देना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे देने वाले हैं जो कि परेशान करेगा। कल एक सेट का सोल्यूशन अगर देखे होंगे तो एक करने का क्वेश्चन था, उसको दो बार मैं बताने का प्रयास किया, दोनों तरीके से आपको शायद नहीं समझ आए हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको परेशान करेगा, आपको जीवन में परेशानियों को सीधे साइड करना है, क्योंकि कोई एक दो के छोड़ जाने से बदलाव कुछ जीवन में नहीं होने वाला है। मैक्सिमम विश्वासी लोगों को पकड़ना है अपने जीवन में, कुछ लोग आपके जीवन बर्बाद करने के लिए केवल आते हैं, है ना, तो आप भी कहो तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और, अभी नहीं तो कभी, अभी कोई जरूरी नहीं है कि उलझनों में पड़ना है ज्यादा, मिला जुला के केवल इतनी बात है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां मैथ्स का बना रहे 25 क्वेश्चन में से बाबू 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसा भी निकल जाएगा जो कि नहीं बनेगा आपसे, कोई ज्यादा टारगेट नहीं करना है, आप उनको देखिए ना जो बना देते हैं, क्या करता है पता है, आप क्या करते हो, पढ़े हुए बढ़िया एक ही टॉपिक के पढ़े, मान लो कि रेशियो बढ़िया, और रेशियो को कैसे क्वेश्चन दे देता है, टॉप भी दे दिया तो आप सोचते हो खोल के फेंक देंगे ना, ना होगा, अरे आसान बनने वाला तो बनाना नहीं तो छोड़ देना है, तो ना मोहब्बत है सर, मतलब रेशियो पढ़ने की है कैसे छोड़ दे, ना छोड़ दे तो बर्बाद कर देगा, ताकि और भी सवाल है उसको बनाना है तुमको, हेलो समझ पा रहे हैं बात हमारी, तो चाहे कितना भी लगाओ क्यों ना है किसी सवाल से, इसको दूसरे तरह से भी ले सकते हैं आप, लगाओ मैटर नहीं करता, मैटर करता है सफलता, खुशी, मैक्सिमम अटेम्प्ट, मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करता है, मैटर करता है, इसलिए सब सीखिए, आपके लगाने से कुछ मैटर नहीं करता है, प्रतिशत बड़ी अच्छा है सर, कैसे देखा तो तोड़ दो ना तोड़ दो, अगर सोच लगे बढ़िया देना है तो इतना घुमा के देगा कि ना बनेगा आपसे, तो पहले क्या करना है आपको, समझ पा रहे हैं बात, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को लचीला बनाना है,
कोई रीजन नहीं। हो सकता है कि समय दूरी ना पढ़ा हुआ हो, तो दूरी स्पीड निकालना केवल दिया हुआ दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय, स्पीड निकल गया। अरे समझ पा रहे हो, लेकिन दूरी ना पढ़ा जाए तो ना ना हमारे पढ़ने वाले देखे ना कर पा रहे, तुम्हारे पास समय नहीं है, जो है तुमसे बनेगा नहीं, जो जो नहीं पढ़ा हुआ है वो आसान दिल है उसको मिनिमम। इसलिए मैं आज के बच्चों को बोलता हूँ कि एवरेज नॉलेज लेकर चलिए सब कुछ का, आपका कितना कितना ऐसे कहेगा चौड़िया के और मान लगाओ जी इसमें ना खाली मैथ्स ठीक तो मैथ्स ना हो तो खाली, अगर जीवन बचाना बढ़िया से पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ाई करो। मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहली बात यह है कि संचित बात यह है कि क्रैमुल विक्रैमुल ये तमाम चीजों का आप जानते हैं। क्रैमुल को हम जिसमें जिसमें किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोलेंगे सीपी, जितना भी वस्तु को बेचते हैं उसको बेचेंगे बोलेंगे उसको बोलेंगे एसपी। याद रखिएगा मैं बार बार ऐसे डिनोट करूंगा क्योंकि बार बार ये लिखने में मुझे ज्यादा शब्द लगते हैं, अभी आप ये लिखा कीजिए। लाभ को आप लिखेंगे प्रॉफिट पी से, परसेंटेज लाभ परसेंट को पी परसेंट लिखेंगे, हानि को आप लिखोगे लॉस परसेंट एल से, और तमाम चीजें आप जानते ही हो। और ये एमपी एक अंकित मूल्य को बढ़ाता है, अंकित मूल्य यानी कि किसी वस्तु को बढ़ा के दाम रखा जाता है ना कुछ लोगों की वजह से, उसको एमपी बोलते हैं। मार्केट का एक सीन ऐसे चलता है कि किसी वस्तु का दाम बढ़ा के रखा जाता है ताकि लोगों को कम करके दे तो ज्यादा अच्छा लगे। दूसरा तरीका अंकित मूल्य, दूसरा तरीका ये भी, दूसरा इसलिए भी कि जगह जगह के अनुसार से वस्तु का दाम बदलते जाता है, उसमें लागत लगते जाता है या फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे जाते हैं, इसलिए एमपी को भी रखा जाता है। तो एमपी वैसा मूल्य जिसका क्रैमुल से बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा जाता है, यानी कि जो खरीदार है वो जानता है कि इतना में बेचेंगे तो लाभ होगा, एमपी बोलते हैं उसको। अंकित मूल्य मतलब मार्क, अच्छा मार्क प्राइस या फिर इसको बोलते हैं छपा मूल्य भी बोलते हैं, अंकित मूल्य को छपा मूल्य। तो ये कुछ शब्द हैं, डिस्काउंट है, छूट एक बढ़ाता है, छूट डिस्काउंट को हम बी से डिनोट करेंगे, डिस्काउंट परसेंट रहेगा तो बी परसेंट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो बी परसेंट रखेंगे, एल परसेंट रहेगा तो ये तमाम चीजें हैं, इतना हम डिनोट करेंगे सैंपल इसका, एससीपी एसपी प्रॉफिट लॉस और एमपी डी, और कोई फॉर्मूला वर्मूला ना है जी, सीधा सीधा लाभ क्रैमुल पर सोचते हैं, प्रतिशत लाभ क्रैमुल के रिस्पेक्ट में, क्रैमुल यानी कि लाभ बटा क्रैमुल कर देंगे और प्रतिशत में चेंज कर रहा है तो 100% से गुणा कर देंगे। शुरू करना हो गया सवाल पहला, बाकी चीजें बताते रहेंगे बीच बीच में जहां जहां कॉन्सेप्ट पता लगेगा उसके माध्यम से हम करते हैं चलेंगे। पहला सवाल ये दिया, 80 वस्तुओं के क्रैमुल 50 वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, ये दिन दहाड़े स्पष्ट बोल रहा है और कई बार सेट में भी सोल्यूशन इसको हम दिया होंगे। क्या कह रहा है कि 80 वस्तुओं का क्रैमुल, क्या बोल रहा है जैसे जैसे बोलता है इसे लिखिए, 80 वस्तुओं का क्रैमुल, क्रैमुल को हम क्या डिनोट किए हैं सीपी, यानी 80 वस्तुओं का मतलब गुना क्रैमुल सीपी बराबर 50 वस्तुओं का विक्रैमुल, विक्रैमुल का मतलब है सीपी। अच्छा कितना गहराई से सोचता है कि ऐसे करिए ना सर कि मतलब 80 वस्तु का 80 रुपया वैसे ना चुपचाप यहाँ 80 वस्तु का सीपी और 50 वस्तु का एसपी आपस में क्या है बराबर है, आप सीधा बराबर लिखो क्लियर है। कोई ना सोचेगा कितना, देखिए ऐसा 80 वस्तु खरीदे 80 में और 50 वस्तु बेच के 80 रुपया आ गया ही ना सर, कोई सोचना गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में, ठीक है क्या करो आप जानता हूँ मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है क्योंकि आपको फंसाऊंगा नहीं, सीधा लिखो 80 सीपी बराबर 50 एसपी क्लियर। अच्छा इसका मतलब कि सीपी और एसपी का अनुपात निकल जाएगा 10 से 10, यानी कि सीपी कितना रुपया, सीपी 5, अच्छा जो जकर साथ है वो कर नहीं है 5, और एसपी कितना, यानी कि आदमी 5 रुपये वाला सामान को 8 में बेच दिया है, अरे हेलो तो कितना लाभ 3 लाख, कितना पर तो प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 60%। समझ में आया बात, कोई सोचा सोची नहीं चुपचाप, क्रैमुल बराबर विक्रैमुल ऐसे जितना जैसे जैसे शब्द कहता है वैसे से लिखना है। कई बार क्या करता है इसमें कहेगा ना कि 80 वस्तुओं का विक्रैमुल ऐसे बोल देगा या 50 वस्तुओं का एसपी, 50 वस्तुओं का एसपी या 50 वस्तुओं को बेचकर 20 वस्तु के क्रैमुल के बराबर लाभ पाते हैं ऐसे दे ले रहे हो। अभी क्या बोल दिया, इतना वस्तु का क्रैमुल इतना वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है, तब तो डायरेक्ट कर दिया। ये देगा कि 50 वस्तु को बेचकर 20 वस्तु के क्रैमुल के बराबर लाभ पाते हैं ऐसे दे रहेगा, ये नहीं कहेगा 50 वस्तु का
50 वस्तु क्रयमूल कितना के बराबर है, 20 वस्तु क्रयमूल के बराबर, ऐसे नहीं कहेगा। 50 वस्तु को बेचकर 20 वस्तु के क्रयमूल के बराबर क्या कमाते हैं, लाभ, यानी कि लाभ होगा। तो लाभ किस पर होता है, क्रयमूल पर। तो इतना एसपी में बेचा है जय बाबू, तो 50 वस्तु बेचा है ना, तो 50 वस्तु बेचा है तो 50 खरीदा भी होगा, और यही जो खरीदारिया पड़ा होगा ओकरे में इतना लाभ हुआ होगा। हेलो, उतने में क्या होगा, तो लाभ को प्लस लिखिए, और 50 वस्तु बेचा है तो अपने से लिखिए 50 वस्तु खरीदा भी होगा। और इसको देखिएगा तो मिलेगा 50 वस्तु का सीपी इज इक्वल टू 50 वस्तु का एसपी, सॉरी हाँ, जहां भी सेट सॉल्यूशन में भी जहां ऐसे ऐसे सतर तक लिखा है इग्नोर मारना है, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ना है, करके उड़िया के लिखा जाता है। देखो 50 भी 70 होता है, 50 लिखा जाए तो काटने लगता है, तब पता लगता है तो कट गए लो, समझ में आ रहा है, हालांकि पता लग जाता है, फोकस यही रहता है कि कल समझाने के बराबर बात हो। तो मुझे लगता है समझ गए, कभी भी लाभ या हानि की बात करेगा इस समय तो लाभ या हानि को शब्द लिख दीजिए, हानि के लिए माइनस लगाइएगा, लाभ के लिए प्लस, और यहां पर क्रयमूल ना कह ले रहे, क्रयमूल लिखिएगा, केवल बोलते रहेगा इतना वस्तु बेचकर, शायद आगे में सवाल कुछ मिल जाए, मैं देखता हूं। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का विक्रयमूल तथा क्रयमूल इतना इतना है तो हानि प्रतिशत कर लो, यहीं पर काट देंगे, कतर देंगे सीधे, ठीक है। या नहीं तो इसे देखेंगे कितना लाभ, क्रयमूल कितना, यहां देखना विक्रयमूल है, ये बाद वाला क्रयमूल है, तो बेचा कितना में है 1333 में, खरीदा कितना में है 2100, या तो कटे वाला होते तो काट देते, हालांकि 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा। तो एक काम करो, कितना हानि हो गया, हानि कितना हुआ, 7, ये बच गया 1, और ये बच गया आपका 817, सही है, 817 हानि हुआ। लेकिन हानि ना पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना में हानि हुआ, क्रैमुल पर की भी, क्रैमुल पर पूछना क्या है, तो क्रैमुल पर गुने 100% कट जाएगा, 27 और 38 24, 3 से भी कम तो कितना, 60% के करीब काट लीजिए जरा सा, कितना बड़ा करता है, कट जाइए, 5 से कटेगा कितना, 5×20 5×3 15, यहां पर 5×2 10, 43 से कट जाएगा, एक बार में नहीं लगे, दो बार में लगेगा, पहले 4 दिन नहीं लगेगा, दो बार में नहीं, 19 बार में कटेगा सर, 19×2 38%, अरे हाँ 19×57 और 19×76 6 महीने लग जाएगा, ठीक है, 19 बार, तो 20 बार में तो कटी ना, दो बार तो लगी ना रहा, तो 19 से लगेगा मैक्सिमम, तो ये कट रहा है, बाकी कैलकुलेशन अपने से कीजिए। लेकिन इतना समझिए, हानि बटा क्रैमूल गुने प्रतिशत के लिए परसेंट 100%। आगे बढ़ता हूं, सवाल अगला, किसी वस्तु का विक्रयमूल 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। देखो कह रहा है कि विक्रयमूल 3 गुना होगा ना, तो लाभ कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, विक्रयमूल 3 गुना होता है तो लाभ कितना हो जाता है। अगर मान लो कि विक्रयमूल दिया हुआ है यहां बाबू 100 रुपया, क्रयमूल मान लीजिए 100 रुपया, यहां हम विक्रयमूल मानते हैं, विक्रयमूल 3 गुना हो रहा है ना, देखो विक्रयमूल मान लेते हैं 100 रुपया, हाँ अच्छा नीचे करके बताओ, ये इसको पहले ही सेट किया कीजिए, तो क्वेश्चन को यही रहने दिया कीजिए, ठीक है, ये और नीचे इतना मैं एडजस्ट किया, अब नीचे कर देंगे फिर लिखेंगे, सुनिए बाबू, हाँ ध्यान दो, कारण कि विक्रयमूल 3 गुना होने पर, यानी पहले 100 विक्रयमूल है इनिशियल, और लाभ मान लो कि 1 है, हम क्या लिख रहे हैं एसपी, और प्रॉफिट कितना 1 शुरुआत में, तो विक्रयमूल को कर दिया 3 गुना 300, और लाभ को कर दिया 4 गुना 4x, लाभ को कर दिया 4 गुना तो 4x, क्या समझ रहे हो, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे हो रहा है, क्रैमूल मानना है, विक्रैमूल क्रैमूल मानना ना है, कहा कि विक्रैमूल को कुछ किया जाना है, क्रैमूल तो अपने निकलेगा, देखो ना क्रैमूल यहाँ निकल गया होगा, 100 लाभ हुआ है ना, 100 - 1 यानी इतना ही कम में खरीदा हुआ, कहा कि 1 रुपया लाभ हो गया 100 में बेचे पर 1 रुपया लाभ हो गया, तो समझ रहे हो कम में खरीदा हुआ, और यहां पर विक्रैमूल निकालोगे तो वही 300 - क्या होगा, और वस्तु का विक्रैमूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन खरीदारी एक ही पड़ता है, प्रोडक्शन करने में वस्तु को बनाने में या खरीदने में एक ही लगता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दाम में बेच के लाभ अलग अलग हो सकता है, तो यानी कि क्रैमूल दोनों क्या होना चाहिए, तो लिख दीजिए बराबर क्रैमूल,
क्या लिखिएगा, 100 - x = 300 - 4x, तो मुझे दिख रहा होगा 3x = 200 है ना, तो x बराबर 200 बटा, ये क्या है लाभ है ना, अरे x क्या है और 100 क्या है एसपी, ये हुआ सीपी मेरा, यानी सीपी मेरा हुआ कितना बाबू, सॉरी ये प्रॉफिट हुआ कितना 200 / 3, और क्रयमूल कितना मान लेते, नहीं मान लेते हम विक्रयमूल मान लेते, विक्रयमूल कितना, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा 100 / 3, कैसे 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 100 - 3, देखो एसपी कितना, एसपी कितना 100 और सीपी 100 - x, और x का वैल्यू 200 / 3, यहां देखिए 200 / 3 × 100, 300 - 200 / 3, यानी कि क्रयमूल कितना 100 / 3। अब जो जो चाहिए यहां से जवाब मिलेगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, किस पर लाभ होता है बाबू, प्रॉफिट परसेंट, क्रयमूल पर ना, तो क्रयमूल आपका कितना है 100 / 3, और भी क्रयमूल आपका सॉरी लाभ कितना है 200 / 3, तो प्रतिशत निकालना होगा 100%। कैलकुलेट करिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब 3 से 3 गुलहटिया मार के, और ये आपका 200% होगा आंसर। सवाल बढ़िया था, ये सवाल बेहतरीन था, और तीसरे सवाल में ना देना चाहिए, ये अभी झंझना दिया होगा। सबसे पहले इतना समझिए कि अगर वस्तु का, समझ में आ रहा नहीं समझ में आया, मुझे कभी भी मानने की दो चीजों की आवश्यकता पड़ जाए, तो 100 पर मानना, एक तो 100 मानेंगे तो एक को x मानना होगा, दो चीजों को मानने के, जो देखिए जितने क्लास लोग, जो लोग छोड़ के क्लास चल जा रहे हैं, घर जाके दवा के खा रहे हैं, और कुछ क्लास समझ नहीं था तो ये भाग गए थे, उनको रहना चाहिए क्लास में, जो कुछ भी सीखेंगे देखो, एक तो तय है कि जो पहले से आता है वो कोई हर नहीं सकता आपका। दूसरा बात यह है कि अगर यहां से बैठ के जाके घर पर ऐसी गपशप करते हो तो यहां क्लास कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि आप जो जानते हो वो वही पढ़ाएंगे, रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आप क्लास में रहा कीजिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको रिवीजन बहुत मैटर करता है, और नहीं तो कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो और ये 300, ये क्लियर हुआ, हमें यहां मानने की आवश्यकता था दो चीज, आप दोनों को 100-100 मान लेते तो गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए 100 माने एक को x माने, कभी भी दो चीज मानना होगा, तो ऐसे कई बार कह जाएगा क्रयमूल दुगुना हो गया, और विक्रयमूल 4 गुना हो गया, या कुछ भी मानना हो तो ऐसे मान सकते हैं। मानने के बाद मैं इनिशियली और जो बाद में जो मिला उसके अनुसार से सीपी निकाल लिया, सीपी निकालने के बाद दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि क्रयमूल तो किसी वस्तु का बराबर होता है, और इसलिए बराबर करने के बाद एक्स निकल गया, एक्स निकलने का मतलब लाभ निकल गया, लाभ निकल गया तो क्रयमूल निकल जाएगा, और क्रयमूल और लाभ निकल गया तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, वही काम हुआ है, मुझे लगता है कि हो गया, आगे बढ़ना चाहिए प्रश्न संख्या अगला देखें। और हाँ जी कोई सवाल है बोलिए, जब एक्स का साथ मिल रहा है तो और देखेंगे का जरूरी है, जो बचपन का दोस्त तेरे साथ है उसको भुलाना चाहते हो, कौन मिलेगा वैसा जिसको नया को भुलाना चाहते हो, कुछ नहीं बिना एक्स नहीं, एक्स जहां है वहां जिंदाबाद है, एक्स को हमेशा याद रखना है अपना। सवाल देखो अगला, हल्दोबाद ने, यदि एक वस्तु का क्रयमूल 1240 है तथा हानि, अच्छा जिसको लग रहा होगा ना कितना इसी से है, जानते एक चीज और दिक्कत है, जैसे आप पैसे जानते हो ठीक, या फिर आप जैसे जानते हो वो थोड़ा जटिल जानते हो, लेकिन अगर कोई आराम से बना दिया और आप ऐसे बनाए हो तो जानते हो क्या करोगे, और ऐसे ना बनता, और खास करके उसमें फासल होंगे बना के, कईयों पूछोगे कईयों हट होता है कि हम बना दे वैसे तो कैसे बन दे, कुछ और कुछ करे, अकेला के लिए सुबह 7 बजे से लेके प्रॉब्लम रहता है 9:30 बजे तक, और हर दिन 11 बजे से 2 बजे तक अकेला के लिए आपको मिलने को पूछने को मौका मिलता है। ये स्पीड मैथमेटिक्स लगातार 2014 से आपके बेहतरीन होने का हर समय प्रयास करता है, हालांकि कुछ लोग बेहतर अपने आप को मान के नहीं आते हैं, अलग बात है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है और हानि 32 हुआ तो विक्रम मुझे लगता बन जाएगा, 32 हानि या 30% इसका कितना, 32% हानि डायरेक्ट निकालिए, 32% हानि यानी कि बिकेगा कितना में, अरे 240 रुपया में 1240 में 32% हानि हो गया, बिकेगा कितना में, 68% है ना, तो इसका 68% निकाल दीजिए, जो भी परसेंटेज को हटाइएगा तो 100 हो जाएगा,
ये तो प्रतिशत में देखे गए हैं और ये कट जाएगा इतना से, ये प्रति ये रह दीजिए अड़चन का 32 लास्ट में दो वाला दो है दोनों का आंसर, सॉरी एक मिनट यहाँ पर डेसिमल एक कट गया ना और वाट चौंका 32 तो 32 ये वाला ही होगा डायरेक्ट, ताकि दशमलव एक को बैठेगा और ये सब दो को दशमलव है और ये भी एगो है लेकिन एक लास्ट में कितना है 6 और यहाँ होना चाहिए अड़चन का ए समझदार है भाई कैलकुलेशन कर लेना ये 843.20 ही इसका क्या होगा वीएसपी होगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कुछ कैसे हुआ? हाँ आगे बढ़ता हूं। सवाल लिखेगा एक पर्स 99 रुपया में 10% में लाभ पर बेचा गया, 72 में बेचा गया होता तो लाभ हानि ये इंपॉर्टेंट है बाबू ये पूछते रहता है, विक्रय मूल्य दल रहेगा दोनों और आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहेगा, समझ पा रहे बात? बहुत पूछता है तो जिन बच्चों का क्लास कहीं नहीं किया हुआ है तो सिंपली क्या कीजिए, सिंपली क्या कीजिए कि 99 दोनों एसपी को इधर रख दीजिए, 99 और कितना था 72 ना, एक में कितना लाभ पर बचा था 110 और यहां पर हानि में हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है प्लस में लिखिए आप प्लस एक्स लिखिए, अरे भाई समझ रहे हो 100 प्लस 10 पहले का लाभ और फिर 100 प्लस 1 लिखिए, अगर ये नेगेटिव में आएगा तो समझना कि हानि हो रहा है और अगर प्लस में आएगा तो लाभ हो रहा है और इसको काट पीट दो एक पर रटा रटा या तरीका, लेकिन एक और बताता हूं मैं 11 99 9 8 72 और यहां से आपको दिख रहा होगा ये जुड़ के 110 दिख रहा है ना, 11 से तो कट जा रहा होता है इस बार में, यानी कि 100 प्लस 1 = 80 दिख रहा होगा और 1 = कितना 20 और 20 प्लस में आया इसका मतलब 20 माइनस में आया इसका मतलब 20% एक कुछ समझ में आ रहा है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा आप सिंपली सोचिए जैसे आप सोचते हैं, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है भी सोच सकते हैं कि भाई 99 रुपया में बेचे और 10% लाभ हो गया यानी कि 110 है, 110 में है 100 रुपया क्रैमुल होगा तो 110 रुपया में बेचेंगे ना 10% लाभ पर यानी कि 110 है तो हमारा क्रैमुल तो निकल ही जाएगा, क्रैमुल गुने 100% करेंगे तो क्रैमुल निकल जाएगा यानी कि 100 रुपया। अब ये आदमी सॉरी ये करना वाला 99 90 रुपया, अब ये आदमी क्या कर रहा है कि 90 रुपया को बेच रहा है 72 में, यह बदमाशी कर ले बतावा 90 रुपया खरीदारी है अब बेच रहा है कितना में 72 रुपया, नया एसपी क्या है 72 रुपया तो लॉस होगा कि नहीं होगा, लॉस कितना हो गया 18 रुपया लॉस हो गया कितना में 72 में कि 90 में, क्रैमुल 90 का तो 18 पचे तो लॉस परसेंट बराबर जो यहां पर होगा गुने 100% कीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा तो 20% यहां पर होगा लॉस, क्लियर है मामला पूछते रहता बाबू, यहाँ बड़ा बड़ा नंबर दिया है लगातार कई ईयरों से इधर पूछ रहा है जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है, ठीक है तो ये दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 बराबर है, एसपी के 1/5 के बराबर कहता है कि हो गए है हानि, यह बात है मतलब दिनदाड़े कह रहा है कि एसपी था 5 रुपया लॉस हुआ 1 रुपया यानी खरीदा था 6 रुपया में, 5 रुपया में बेच के 1 रुपया हानि हो गया यानी कि ज्यादा में खरीद ले था, यही पर आपका समझ का प्रयोग है रटा रटाया का नहीं, कितना में बेचे हम 5 में और लाभ कितना हुआ 1, 5 में बेचे और 1 रुपया लाभ हुआ यानी खरीदारी कितना था 6, क्लियर है मामला? अरे समझ में आ रहा है क्या? कितने जानते क्लास में बैठे हुए ध्यान बोर्ड करना है, बढ़िया अच्छा लगे थे रे, अच्छा लगने सुना है इधर उधर देखे देख रहा है खाली देखे ना देखे उधर देखे हमारे अरे यहाँ रहो क्लास, आप अगर क्लास में हो नजर केवल हम पर बनाए रखो, ठीक है बताओ फालतू फालतू सोचते रहता है और कितना के चेहरा से साफ लगता है कहाँ सोचना है और हम है कि चेहरा थोड़ा सा रीड करते हैं तो सोचो कैसा लगता होगा हमें, समझ मारो तो कितना रुपया लॉस हुआ 1 रुपया कितना में 6 में तो हानि प्रतिशत बोल रहा है तो हानि लॉस पर रखिए, लॉस ये 1/6 को आपको पढ़ाए हैं प्रतिशत में 16.23% नहीं 16.23% इसका हो गया 16.23 को 2/3 बाबू होता है 0.666666 आते जाते हैं 0.67 लिख सकते हैं लगभग, कितना लिख सकते हैं इसको 0.67 यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, समझ में आया भाई? हाँ कहीं अकबका की ना वार दीजिए
क्योंकि अक्सर देता है ऐसा, फसल पहले ही दे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, कितना तो ऐसी भागा देगा, छह से छह एक बार में चार, छह 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 मान लो छह अलो सोलो ना अभियान में था भगा जाते हो, ठीक है। आपका पैसेंस बड़ी चेक करता है, सवाल देखिए अगला, देखो कहता है पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेच दिया, क्यू इसे आर को इतना में बेच दिया, तो क्यू का प्रतिशत कितना है? 1200 रुपया के सामान को बेचा पी किसको, क्यू को 15% लाभ पर। यदि 15% लाभ पर बेचा यानी कि 115 रुपए में बेचा, या फिर इसका 15 बार है 180 रुपया यानी कि जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 15% लाभ जो हो गया, 15 बार है 180 होता है, 180 लाभ हुआ तो कितना में, 1380 में बेच दिया किसको, क्यू को, यानी क्यू खरीदा 1380। अब क्यू बेच रहा है किसको, आर को, कितना में बेच रहा है, 1400, यानी कि ये भी लाभ में बेचा है, कितना लाभ हुआ है इसका, 69 रुपया लाभ हुआ, कितना पर, 1380 पर। तो यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, 1380 पर 69 रुपया लाभ हुआ है, 1380। तो प्रॉफिट परसेंट आप परसेंट से गुना करेंगे, कटेगा ये जीरो से जीरो, 69 से कटेगा कितने बार में, तो 5% इसका आता होगा आंसर, कि नहीं, तो समझ रहे एकदम आराम से बनता है सवाल, आसान सवाल रहता है जी। आगे बढ़ते हैं, और अभी जो सेट में दिया जा रहा था कुछ कुछ क्वेश्चन, एक तो सवाल तब भी दे रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको जो प्रीवियस का है वही इसमें हम लिए हैं क्वेश्चन, जितना टाइप से हुआ तो इसको फोकस कीजिए। अगर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो इतना तो समझ ही सकते होंगे आज जितना बता रहे हैं, हमेशा से क्रैमर को सौ मानते हैं, हमेशा से क्रैमर को सौ मानते हैं, ठीक है। अब सवाल अगला देखिए, कह रहा है कि पी क्यू को 5% हानि पर बेचता है, क्यू आर को वस्तु 20% हानि पर बेचता है, कौन किसको बेच रहा है, पी क्यू को बेच रहा है, हाँ लॉस हो रहा है 5%, 5% लॉस सम माइनस में शो करेंगे, ठीक है, और क्यू आर को 20% हानि पर बेच दे रहा है, ठीक है, आर वस्तु के लिए इतना चुकाता है। देखिए भाई, अगर सिंपल नंबर दिए हैं, ये वाला सिंपल नंबर में इंटीजर दिल है तो 100 मानिए, और अगर फ्रैक्शन दिल है तो सक्सेसिव लगाइए, हम प्रतिशत में बताए हुए हैं सक्सेसिव, शुरुआत प्रतिशत किए होंगे तो थोड़ा बहुत उतना काम पर बता दिया गया है यार, जो अगर मान लो कि कहीं से पढ़ा हुआ होगा नॉर्मल या फिर नहीं पढ़ा हुआ तो उतना हमने पकड़ लेंगे यार। तो आप देखो, मैं जब नंबर में दिया है तो 100 मानेंगे, अगर मान लो लेते हैं कि पी का क्रैमूल 100 रुपये था तो 5% लाभ में कितना, हानि में कितना बेचेगा, 95, ये 95 में बेच देगा, और 20% का मतलब 1/5 रुपया होना है, नहीं 20% का मतलब कितना, 1/5 रुपया, तो 1/5 रुपया अगर किसका लॉस होगा, 95 का, तो 1/5 95 का, तो 19 रुपया लॉस, और 19 रुपया लॉस तो बेचा हुआ कितना में, कितना 70, 9, 6, 15, 19 रुपया यानी 76 में, क्लियर है। अब जो कहता है सो, तो बी के लिए क्रैमूल क्या था, अच्छा हाँ, किसका, आर वस्तु के लिए इतना चुकाता है, आर खरीदा कितना में, 2812 में, यानी कि आर यहां पर कितना में खरीदा होगा, क्योंकि ये बेच दिया है 76 में, यानी 76 इज 2812, तो हमें क्रैमूल निकालना है, क्रैमूल कौन सा, 100, मुझे लगता है कि कट जाना चाहिए, कितना बार में कटता है, 37 बार में कट जाता है, हाँ तो संभाल लीजिएगा ये सब, 3700 रुपया इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, 75 दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कि 3700 रुपया इसका आंसर होगा, कहने का भाव। अच्छा सर, मान लो कि और फ्रैक्शन में रहता है तो जानते हो हम क्या करते, फ्रैक्शन में रहता तो और आसान कर देता मेरे लिए, इसको लिखते 1/20 और इसको लिखते 1/8 और हानि है, तो 1/20 हानि मतलब कि 1/20 हानि हुआ है पहला में, और दूसरा में 1/5 लॉस हुआ है, नहीं तो कैसे बेचता है, देखिए बाबू मैं आपको क्लास में डिस्कस करता होऊंगा, भावनाओं पे एकदम संयम रखें, ले देना लेन देन घर है, हाँ सुनो, 1/5, 1/20
ये तो वही वाला बात है, वो दूल्हा के देखने गया, दूल्हा तोतला था, दूल्हा इतना बोलाकर था कि बोलने बाहर हलने जाता था, हालांकि गार्जियन बोलने था कि देख कुटुम आ रहा है तुम बोलना नहीं, उधर से निकला चूहा तुतली तुतली तुषार का बेटा बोला ताने ताने तुषार को शादी कैंसिल। जब मना किया गया हो सुना शादी कट जाएगा भाई, जितना समझो इतने बोलो, एक बटा बीस लॉस हुआ यानी कि पी किसको बेचा, पी क्यू को बेचा 20% लॉस, यानी एक बटा बीस यानी 20 से 19 से बेच दिया होगा, हेलो पी क्यू को बेच दिया होगा 20 से 19 और क्यू किसको बेच दिया आर को, कितना लॉस पर, एक बटा बीस कम में बेच दिया बाबू, और एक बटा पांच कम में बेचा है तो 5 से, यानी कि पी से सामान आर तक जाते हुए 20-25 सौ रुपया वाला सामान 76 में बिका, 76 में बिका, हाँ हाँ क्षेत्र बिका, क्लियर है ना, पी से क्यू तक जाते हुए 100 वाला सामान कितना बिक गया, अरे देख पा रहे हो कुछ बात, तो अगर आर का विक्रय मूल्य सॉरी आर का क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है 2872 तो मैं लिखूंगा ना 76 = 2812 रुपया, और मुझे अगर सीपी निकालना होगा किसका, पी का शुरू वाला, तो शुरू वाला के लिए 100, क्लियर है, शख्स जहां भी फ्रैक्शन रहता तो वहां पर ऐसे करेंगे, कैसे सक्सेसिव पर करेंगे, और जहां पर आपको ऐसी नंबर है तो 100 मान के बनाएंगे केवल, ठीक है आगे बढ़ता हूं। कह रहा है ना कि पी ने 20% हानि पर कोई वस्तु क्यू को इतना में बेची, और की इसे आर पर, आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे कि पी 8% लाभ होता है, देखो यहां पर घूमो ले वही सवाल, सेम सवाल ऐसे से किया है, ठीक है बढ़िया से पढ़ेंगे सवाल स्पष्ट नजर आने लगेगा। पी ने 20% हानि पर क्यू को बेच दिया कितना में, 18,000 में, और क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर पी को 8% लाभ होता है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, पी क्यू क्यू को का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्यू कितना में खरीदा है 18,000, कौन किससे खरीदा है, क्यू से खरीदा है, यानी कि इसका भी क्रय मूल्य है लेकिन क्यू का ही क्रय मूल्य है, और कहता है ना कि जो पी है नहीं नहीं क्यू इसे आर पर दिया है कितना में, उतना ही रुपया में जितना कि पी को 8% लाभ होता, उस मूल्य पर बेचा है जो कि पी को 8% लाभ हो, तो बोलते हैं क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मैं देखता हूं देखो क्या करो यहां से कितना परसेंट बढ़ाया है 20%, अरे 20% हानि हुआ है क्या, तो यानी कि 20% हानि का मतलब कि 100 वाला सामान 80 में, यानी कि 80 है, अरे 80 है 80 = 1800 रुपया, तो 100 रुपया पी का क्रय मूल्य हो जाएगा, पी का सीपी तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा क्या, 20 × 80 और 20 × 5, और यहां देखिए और ये कट रहा होगा 4 × 16, 4 × 5 = 45 और 45 × 5 22,500, कुछ समझ में आ रहा होगा, ये आदमी खरीद लेता कितना में, 22,500 में, कौन पी, अब कहता है कि एक काम कीजिए, हम क्यों कहता है कि देखा हम कितना में बेच लियो से बतावे थी, क्यों कहता है किससे आर से कि मैं कितना में बेच रखा हूं, मैं बता रहा हूं जितना पी को, जितना पी को पी को पी को पी के क्रय मूल्य पर 8% जितना लाभ मिलके बेचेगा ना उतना ही में हम बेच ले हैं, तो किसका पी का, पी कितना रुपया 22,500 का कितना परसेंट 8%, तो 108 में बेचेंगे ही गुने, या 8% निकाल के जोड़िए ना, पहले 8% निकाल लीजिए गुने हो गया ये यहां पर 25 × 25 = 200 × 9 = 18 ऐसा आ रहा है क्या, 8 × 40 = 8 × 16 = 40 × 8 × 16 = 18,000, 18,000 है, यानी कि ये आदमी बेच दिया है गलत आ रहा है, समझ पा रहे बात, 1800 रुपया क्या बेचा है, 1800 रुपया क्या बेचा है लाभ में, कितना से 1800 लाभ में 22,500, तो इसमें 22,500 जोड़िएगा तब ना एसपी मिलेगा, अभी 8×5 और 2 × 1
24,300 में बेचा है, इसका मतलब आर का इस मतलब आर क्यों कितना बेचा है 24,300, कितना प्रतिशत लाभ है ये देखिए, कितना लाभ है जी 6,300, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ये, तो 6,300 बटा 18,000 गुने 100। मैं जानता हूं कि बहुतों को इतना ही में कवरेज एरिया से बाहर बता लगा होगा, लेकिन लेकिन फिर भी आपको इस तरह के सवालों को समझ लेना है। और देखो ये बात तो तय है कि एग्जाम में जितने सवाल हैं वो आपके हाथ में पूरी तरह से कि किसको बनाना है और किसको छोड़ना है, चूंकि आपके पास या सबके पास समय दोनों सभी के पास बराबर बराबर है। इसको काटिएगा प्रॉफिट किसका, क्यू का लाभ निकाल रहे ना, क्यू का लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्यू का लाभ प्रतिशत बराबर देखिएगा कट जाएगा ये यहां से 2-0 से 2-0, 1-0 से 1-0, 18 से कटता है क्या 9 से 33, 9 2 18, 7 5 35% ही आता होगा बाबू, और आंसर हो जाएगा ए। तो मुझे लगता है कि समझ में कुछ हद तक आया। एक सवाल और अगर आसान हद लेके देखते हैं, एक सवाल और है कि इतना इतना खरीदनी लिख लेते हैं, आसान है। यदि मनोज 846 रुपया में 324 स्टॉक किया, 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदता है। एक चीज और आप गलत करते हैं कि इधर दो दो बैठे हैं, तीन तीन बैठे हैं और पीछे बैठे हैं, पीछे रैंक खराब है तब बैठे, अगर ठीक बैठा है और चेहरा भी ठीक है तो जहां जगह खाली है वहां बैठे, तो ध्यान दीजिए। आज 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदता है, यानी कि एक टॉफी का मूल्य जानते हो कितना होगा, एक टॉफी का मूल्य रकम बटा मात्रा बाबू 486/300, एक टॉफी का क्रयमूल है किसका भाई, मनोज बाबू का, जो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफियां बेच लो, कितना बेचना है 90 रुपया में, 90 रकम बटा मात्रा, यहां पर निकालना प्रति टॉफी, ये था प्रति टॉफी कैसे बेचना होगा सो देखिए, अगर 50% लाभ चाहिए तो 100 वाला सामान 150 में बेचेंगे, यानी कि ये वाला खरीदारी है यानी कि 100 है, या फिर थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको काट देते हैं पीएससी बात, तो ये दूर आओगा तो बेचेगा कितना में, 3 में, ये कटता है क्या, कुछ कुछ कटना ही चाहिए, ऊपर वाला कितने बार में 4 से कट रहा है दोनों, हाँ जी 4×1=4 और 4×2=8 नहीं करेगा, 2 ही से काटिए, 1, 2, 243, 162 और कटेगा क्या, 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3×4=6, 3×9 9 से कट जाएगा, 9×3=27, 9×1=9, 9×2=18, 9×7=63 और 9×1=9 कट जा रहा है। देखो एग्जाम में जानते हो जो यही वाला सिचुएशन में कटता है, एक बार एक ना कटता है, जो आपके यूट्यूब पर टीचर बताते हैं देखो कट लो इतना बार में 9×3=27, 9×2=18, 3/2 बार में कट गए है, ना कटता है वहां रतिया रतिया कटता है, समझ आ रहा है, तो 9×2=27, 9×2=18, 3/2, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, 3/2 × 2×3 था ये, यानी कि ये बीच मिलेगा 9/2, और 9/4 का मतलब ऊपर वाला रकम होता है नीचे वाला मात्रा, यानी कि इसका कहने का मतलब है ना कि 9 रुपया में 4 के भाव से बेचना होगा, 9 रुपया में कितना के भाव से, 4 के भाव से, तो यहां कितना रुपया है, तो 90 रुपया में कितना के भाव से, 90 रुपया में 40 के भाव से बेचना होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 40 टॉफी, समझ में आया होगा आज का क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद लगातार पढ़ने के लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो घर परिवार को समाज को नया दिशा दे रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका किया हुआ कार्य आने वाले लोगों को सफल बनाएगा, धन्यवाद। और टेस्ट आपको देना अनिवार्य है, समय से आए, टाइमिंग बताया गया है आपको 12:00
दस मिनट लास्ट एंट्री है, उसके बाद से एकदम नहीं सुनेंगे कि साइकिल के चैन खराब हो गया था, ये वो फालतू, ठीक है।